जिस तरह से वापस से अबू आसिम आजमी ने उसी तरह का मुद्दा उठाया औरत के मॉडर्नाइजेशन का, जबकि इसके पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और अब मुंह की खाई थी, यहां तक कि उनकी बहू आयशा टाकिया जी ने भी उनके खिलाफ ही स्टेटमेंट दिया मीडिया को, उसके बाद भी अबू आसिम आजमी नहीं बाज आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने इलेक्शन को देख कर दिया है कि वो एक खास तबके को या एक खास लोगों को रिझा सके। मगर मेरा सबसे बड़ा सवाल अबू आसिम जी से ये है कि वो उन्होंने जो कहा कि लड़के और लड़कियां फ्रीली घूमती हैं और ये बहुत गलत है, तो उनका बेटा खुद आयशा टाकिया जी के साथ में सालों फ्री घूमता रहा और कोलाबा की गलियों में चाय कॉफी की शॉप्स में अपनी टाइम स्पेंड करता रहा, और यहां तक कि उसने शादी कर ली। मुझे ऐसा लगता है एक्सपोजर की और ओपन ड्रेस की, जो कम ड्रेस की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आयशा टाकिया जी भी एक जमाने में काफी एक्सपोजर करती थी। ये टार्जन द वंडर कार में मुझे ऐसा लगता है उस ईयर की सबसे ज्यादा एक्सपोजर की हुई फिल्म वही थी। और सबसे पहले अबू आसिम जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घर को संभालना चाहिए, उसके बाद उपदेश दें तो मुझे लगता है बेहतर होगा।